टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। हमने अब तक एजेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद कुछ एजेंसी के रिलेटेड कुछ टर्म जैसे प्रिंसिपल, एजेंट, कैसे एजेंसी किस किस तरीके से तैयार होती है, कितने टाइप की एजेंसी है, एजेंसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारे डिस्कस किए। हमने एजेंसी क्रिएशन के कुछ स्पेशल इंस्टेंसेस जैसे एजेंसी बाय एस्टॉपेल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन वगैरह भी डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे एक क्रिएटेड एजेंसी कैसे टर्मिनेट हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन और कंडीशन में एजेंसी टर्मिनेशन हो सकती है। इसके अलावा हम एजेंसी रिवोकेशन के बारे में भी बताएंगे और इरिवोकेबल एजेंसी क्या होती है उसके बारे में भी बताएंगे कि किस किस सिचुएशन में एक एजेंसी रिवोक नहीं किया जा सकता। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एक एजेंसी का कंट्रैक्ट कई तरह से टर्मिनेट हो सकता है, उस हम एजेंसी किस किस केस में टर्मिनेट होती है उसका हम इंस्टेंसेस बताते हैं। कंट्रैक्ट का परफॉर्मेंस से भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, जिस पर्पस से एजेंसी का कंट्रैक्ट बना है, जिस काम के लिए, वो काम जब ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से तो एजेंसी भी कंट्रैक्ट टर्मिनेट होने से एजेंसी का कंट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो गया। प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही आपस में म्यूचुअली कोई एजेंसी का कंट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि उन लोगों ने ही एजेंसी का कंट्रैक्ट बनाया है, एजेंसी के कंट्रैक्ट में एंटर किया है, तो वो लोग की ऑथोरिटी है, वो लोग म्यूचुअली उस कंट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें और एजेंसी को टर्मिनेट कर दें। अगर वो एजेंसी कुछ समय के लिए ही बनी है तो वो समय बीत जाने से, उस समय की एक्सपायरी हो जाने से एजेंसी का कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो एजेंसी कुछ समय के लिए ही बनी है। प्रिंसिपल अगर एजेंट का अथॉरिटी को रिवोक कर दे, एजेंट का अपॉइंटमेंट को रिवोक कर दे, उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर दे, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। प्रिंसिपल अगर एजेंट की अथॉरिटी को ही रिनाउंसिएट कर देता है तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। एजेंट या प्रिंसिपल किसी के भी डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी के केस में वो एजेंसी का कंट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। जब प्रिंसिपल या एजेंट, इसमें कोई भी एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो और वो कंपनी अगर डिसोल्यूशन हो जाती है, उस कंपनी की डिसोल्यूशन हो जाती है, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। और जिस काम के लिए वो एजेंसी का कंट्रैक्ट बना है, जिस काम को कंप्लीट करने के लिए, कुछ करने के लिए, वो काम का ही मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो काम और हो नहीं सकता है, मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो एजेंसी का कंट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। इस वीडियो में संबंधित विषयों के सारे विवरण एक साथ संकलित किए हैं, इसलिए ये वीडियो जरा लंबा है, इसे अंत तक अवश्य देखें, कोई भी अंश छूटे नहीं, ताकि पूरा विषय अच्छी तरह समझ में आए। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में प्रत्येक भाग के हाइपरलिंक दिए हैं, कोई भी भाग सीधा पढ़ने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। वीडियो को पुनः शुरू से देखने की जरूरत नहीं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विशेष अंश आसानी से पुनः देख सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द पार्टीज। एक एजेंसी के कंट्रैक्ट में पार्टीज कौन है, एजेंट और प्रिंसिपल। अब ये दोनों में से, यानी एजेंट या प्रिंसिपल, कैसे एक एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, किस केस में कर सकता है, इसके बारे में बताएंगे।
पहला केस है म्यूचुअल एग्रीमेंट, एजेंट और प्रिंसिपल आपस में एजेंसी का कंट्रैक्ट साइन किया है, यानी एजेंसी का कंट्रैक्ट में एंटर किया है, इसलिए ये दोनों म्यूचुअली आपस में समझौता करके फिर ये एजेंसी का कंट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकता है। दूसरा तरीका है रेवोकेशन। रेवोकेशन माने मतलब मना कर देना, मना करना, रद्द करना। एजेंसी का कंट्रैक्ट प्रिंसिपल या एजेंट दोनों द्वारा ही, दोनों के अंदर कोई भी एक द्वारा रिवोक यानी कैंसिल या रद्द किया जाता है, किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, कुछ कंडीशंस में। रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। अब देखें प्रिंसिपल कैसे एजेंसी का कंट्रैक्ट रिवोक करता है, मना करता है, कैंसिल करता है। प्रिंसिपल द्वारा एजेंट अपॉइंट होने के बाद, लेकिन एजेंट अपनी राइट्स एक्सरसाइज करने के पहले ही प्रिंसिपल एजेंट का ऑथोरिटी रिवोक कर सकता है। लेकिन एजेंट ने जब एक बार काम शुरू कर दिया एजेंसी के कंट्रैक्ट के तहत, उस केस में प्रिंसिपल अगर एजेंट की ऑथोरिटी रिवोक करता है तो उसे ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट माना जाएगा। जहां एजेंसी का कंट्रैक्ट कोई कंटिन्यूअस है तो प्रिंसिपल द्वारा एजेंसी का टर्मिनेशन इन्फॉर्मेशन एजेंट और थर्ड पार्टी जो उस कंट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उसे भी उसका इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना होगा। रिवोकेशन बाय एजेंट। अब देखें एजेंट कैसे एजेंसी का कंट्रैक्ट रिवोक कर सकता है। एजेंट प्रिंसिपल को एक रीजनेबल पीरियड के पहले नोटिस देके एजेंसी का कंट्रैक्ट टर्मिनेट या रिवोक कर सकता है। एजेंट को सही तरीके से नोटिस प्रिंसिपल को देना होगा और उस एजेंसी की कैंसिलेशन के तहत अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान हुआ है तो उसका कंपेंसेशन एक दूसरे को करेगा। जहाँ एजेंसी का कंट्रैक्ट कंटिन्यूअस है, कुछ पीरियड तक चलने वाला है और एजेंट उसे समय पूर्व ही कैंसिल या रिवोक करता है तो एजेंट और प्रिंसिपल एक दूसरे को जिसका भी नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेट देगा, मतलब कंपेंसेट करेगा। संबंधित विषयों का पूरा विवरण प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक जरूर देखें। वीडियो पसंद आया है तो इसे मित्रों से शेयर करें और लाइक आइकन जरूर क्लिक करें। इम्प्लाइड रेवोकेशन ऑफ एजेंसी। हमने देखा है कैसे एजेंट और प्रिंसिपल म्यूचुअली एक दूसरे के साथ समझौता करके एजेंसी टर्मिनेट कर सकता है या एक दूसरे को एक्सप्रेसली नोटिस देके भी टर्मिनेट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल या एजेंट कोई एक्सप्रेसली नोटिस देके या समझौता किए बगैर ही, एक दूसरे को इन्फॉर्म किए बगैर भी ऐसा कुछ करे जिससे यह प्रतीत होता है कि वो एजेंसी कैंसिल करना चाहते हैं या उस सर्कमस्टेंसेस में एजेंसी कैंसिल हो जाता है, रिवोक हो जाता है, क्योंकि उनका कंडक्ट ही ऐसा होता है कि वो एजेंसी का काम और आगे चलने वाला नहीं है, काम पूरा नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल देखें, पी एक प्रिंसिपल है जिसका एक हाउस है, वो एक एजेंट ए को बोला ठीक है मेरा हाउस को तुम भाड़े पे रेंट में लगा दो, लेकिन कुछ समय बाद पी अपने ही उसे को रेंट में कोई टेनेंट को दे दिया। यह एक इम्प्लाइड रिवोकेशन है ए की अथॉरिटी की, क्योंकि प्रिंसिपल ए को एम्प्लॉय किया था उसका मकान रेंट में देने के लिए, लेकिन जब वही रेंट में दूसरे टेनेंट को दे दिया तो एजेंट का और कोई काम रहा नहीं, तो अपने आप ही उसकी एजेंसी रेंट देने के लिए जो एजेंसी है वो ख़त्म हो गई।
यह एक इम्प्लाइड रिवोकेशन है। पी ने ए को अपॉइंट किया, एजेंट अपॉइंट किया कि वो इंडिया के बाहर जा रहा है, उसकी इंडिया में अनुपस्थिति के समय, मतलब जिस समय वो इंडिया में नहीं रहता है उस समय का सारा काम ए करेगा, पी के बिहाफ में करेगा। अब पी जब इंडिया में लौट के वापस आता है तो ए की एजेंसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ए पी के एब्सेंस में इंडिया में, पी का इंडिया में एब्सेंस के काम ही देखने के लिए ए को अपॉइंट किया गया है। पी अगर वापस आ गया तो ए का कोई काम रहा नहीं। यह भी एक रिवोकेशन ऑफ, इम्प्लाइड रिवोकेशन ऑफ एजेंसी का एग्जांपल है। कंडीशंस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, हमने इसके पहले बताया है कि कैसे प्रिंसिपल एजेंसी का कंट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है। अब हम बताएंगे प्रिंसिपल किस किस कंडीशन में एजेंसी का कंट्रैक्ट कैंसिल रिवोक कर सकता है। अगर एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट है, मतलब उस एजेंसी में एजेंट का भी इंटरेस्ट है, मतलब एजेंट भी एक पार्टी है ट्रांजैक्शन की, तो एजेंट उस एजेंसी को टर्मिनेट या रिवोक नहीं कर सकता है जिससे कि एजेंट को कोई नुकसान हो, उसका इंटरेस्ट में कहीं घाटा हो। अगर एजेंसी एक कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए है तो उस पीरियड, फिक्स्ड पीरियड के पहले ही टर्मिनेट, एजेंसी अगर टर्मिनेट करता है तो उसे प्री मैच्योर रिवोकेशन के लिए कंपेंसेशन देना होगा। एजेंसी की टर्मिनेशन कब से इफेक्टिव होती है, वो उस दिन से इफेक्टिव होती है जब एजेंट अगर रिवोक करता है तो उसका इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को मिल जाए, और प्रिंसिपल अगर रिवोक करता है तो उसका एजेंट, उसका इन्फॉर्मेशन एजेंट को और थर्ड पार्टी को मिल जाए। एजेंट के लिए उसी समय एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है जब प्रिंसिपल एजेंट को इन्फॉर्म कर देता है, और थर्ड पार्टी के लिए वो एजेंसी तभी टर्मिनेट होती है जब ये इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को मिले। कृपया अपने सुझाव और कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हम और भी अच्छे और पसंदीदा नए वीडियो पेश कर सकें। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, हमने एजेंसी का एक्सप्रेस टर्मिनेशन, मतलब जहां एजेंट या प्रिंसिपल एक्सप्रेसली कंट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, या इम्प्लाइड टर्मिनेशन, वो लोग ऐसा कुछ करता है जिससे कि वो एजेंसी और आगे उस एजेंसी का काम होने वाला नहीं है, और यह प्रतीत होता है कि वो लोग उस एजेंसी का काम टर्मिनेट करना चाहता है और वो टर्मिनेट हो जाता है। हम अब बताएंगे कि इन दो केस के अलावा कैसे एजेंसी लॉ के कोई कानून के तहत अपने आप टर्मिनेशन हो जाती है, मतलब एजेंट या प्रिंसिपल कोई एक्सप्रेसली उसे टर्मिनेट नहीं करता। पहला सिचुएशन है परफॉर्मेंस और इम्पॉसिबिलिटी। परफॉर्मेंस मानी एजेंसी का जो काम, उद्देश्य है, जो काम है वो ख़त्म हो गया तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। और एक है इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई सिचुएशन आया कि वो एजेंसी का काम पूरा किया नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल है उस काम को करना कोई भी कारण से, तब वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि काम ही नहीं होगा। एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर एजेंसी कोई फिक्स टाइम के लिए बनी है तो वो टाइम ख़त्म होने से भी अपने आप ही एजेंसी कंप्लीट हो जाएगी, एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। अगर वो काम ख़त्म नहीं भी हुआ है तो भी, अगर समय कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया। डेथ और इनसैनिटी, अगर एजेंट या प्रिंसिपल ये दोनों के अंदर ही किसी का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या इनसेन हो जाए, वो अनसाउंड माइंड के हो जाए, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है।
इस केस में एजेंट या प्रिंसिपल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने हर तरह के प्रयास करेंगे कि एजेंसी की जो प्रॉपर्टी है उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे नष्ट नहीं होने दिया जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो काम करना है एजेंसी, जिसके लिए, जिस काम के लिए एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बना है वो काम ही नष्ट हो जाए, मतलब अब वो काम और किया नहीं जा सकता, वो मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी, प्रिंसिपल अगर अलग कंट्री के हो, अलग कंट्री बिलोंग करते हो और उस कंट्री के साथ में एजेंट जिस कंट्री का है उसके साथ में अगर वार हो जाए, मतलब दोनों एलियन एनिमी, कंट्री एलियन एनिमी हो जाए तो वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी, अगर एजेंट या प्रिंसिपल इसके अंदर अगर कोई भी एक कंपनी है और वो कंपनी अगर डिसॉल्व हो गई तो वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। संबंधित वीडियो के लिए आई कार्ड और एंड कार्ड अवश्य देखें। इररिवोकेबल एजेंसी, रिवोकेबल मतलब हम समझे हैं जिसे कैंसिल कर दिया, मतलब पहले हमने बोला ये एजेंसी है लेकिन बाद में उस एजेंसी को कैंसिल कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इररिवोकेबल एजेंसी मतलब जिसे कैंसिल, एक बार बनने के बाद कैंसिल या रद्द नहीं किया जा सकता। हमने एजेंसी कैंसिलेशन के या रिवोकेशन के बारे में इसके पहले बताया है, कैसे एजेंट या प्रिंसिपल या कोई कानून या लॉ के मुताबिक एजेंसी रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसके बारे में बताए हैं। अब हम बताएंगे कि किस केस में एक इरिवोकेबल एजेंसी बनती है और जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, जब एजेंट खुद ही वो एजेंसी का मैटर में या उसका ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, मतलब वो एक पार्टी है, तो एजेंसी रिवोक नहीं हो सकती। अगर उसमें एजेंट का कोई इंटरेस्ट का हानि होता है या उन लोगों के अंदर बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि उस एजेंसी को रिवोक किया जा सकता है, अदरवाइज जिस एजेंसी में एजेंट का इंटरेस्ट हो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। हालांकि यह रूल तभी होता है जब वो एजेंसी इसलिए एजेंट का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो एजेंसी बनाई जा रही है, लेकिन अगर एजेंट का इंटरेस्ट एजेंसी बनने के बाद बनता है, मतलब ऐसा एजेंट उसका इंटरेस्ट बाद में क्रिएट होता है ऐसा कोई ट्रांजैक्शन के लिए, तो उस केस में लेकिन एजेंसी इरिवोकेबल नहीं बनती, पहले ही से ही एजेंट का इंटरेस्ट उसमें रहना चाहिए। वेयर एजेंट हैज इनकर्ड ए पर्सनल लायबिलिटी, उस एजेंसी के काम के तहत एजेंट ने अगर कोई पर्सनल लायबिलिटी उसके ऊपर में आ गई है तो एजेंसी रिवोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें वो एजेंट को वो लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी, एजेंट के ऊपर वो रिस्क या लायबिलिटी थोपा नहीं जा सकता। वेयर एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, अगर एजेंट ने कुछ काम कर लिया है तो उसके बाद में प्रिंसिपल उसकी वो एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकती, क्योंकि एजेंट एजेंसी के तहत कुछ काम ऑलरेडी कर चुका है। हम फिर से आपको आग्रह सहित याद दिलाते हैं कि सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, जब कोई एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट भी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो डीलिंग्स हो रही है उसमें एजेंट भी इंटरेस्टेड है और उसे अपने एजेंसी के कमीशन के अलावा भी और कोई एडिशनल बेनिफिट मिलने का है, उस केस में एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट कहा जाता है।
हमने पहले ही बताया है कि एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट को रिवोक किया नहीं जा सकता, नॉर्मली रिवोक नहीं किया जा सकता। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट किस केस में बनता है और उसकी क्या शर्तें हैं? एजेंसी का कंट्रैक्ट बनते समय ही एजेंट का उसमें बेनिफिट या इंटरेस्ट का प्रोविजन होना चाहिए। नॉर्मली वो एजेंसी का कंट्रैक्ट बनता ही है एजेंट का बेनिफिट के और उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर एजेंट का इंटरेस्ट एजेंसी का कंट्रैक्ट बनने के बाद में आता है तो वह एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट नहीं है। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता है जिससे एजेंट को कोई नुकसान हो या उसकी इंटरेस्ट में कोई हानि हो। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट डेथ इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी, यानी प्रिंसिपल के डेथ इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी में भी टर्मिनेट नहीं होगी। ऐसा एजेंसी एजेंट का जितना इंटरेस्ट है उस हद तक इरिवोकेबल होगी, मतलब उस हद तक उसे कैंसिल या रिवोक नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल देखें, पी प्रिंसिपल है और ए एजेंट है। पी का एक हाउस है और ए पी से कुछ रुपया पाता है, कुछ अमाउंट पाता है, मतलब पी का ए के पास कुछ उधार भी है। अब पी ए को एजेंट बनाता है अपना हाउस को बेच दे, और जो पैसा मिला उसे उसका जो ड्यू है उसमें एडजस्ट कर ले। यह एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट हुआ क्योंकि एजेंसी का कंट्रैक्ट बनने के समय ही उसमें ए का इंटरेस्ट है क्योंकि ए का पैसा हाउस बेच के उससे मिलेगा। अब पी उस एजेंसी का कंट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता है। इवन पी का अगर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या इंसैनिटी हो जाए तो भी वो एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। ए पी का हाउस बेच सकता है और उससे मिला हुआ पैसा वो अपने ड्यूज जो पी से पाने का है उसमें एडजस्ट कर सकता है। आसानी से समझने के लिए हमने सरल हिंदी में उदाहरण के साथ व्याख्या किए हैं। हमारे ओरिजिनल अंग्रेजी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एरिया में उपलब्ध है, जिसे भी अवश्य देखें। हो सकता है किताबी शैली में बोली गई अंग्रेजी वीडियो धीमी और उबाऊ लगे, लेकिन अंग्रेजी वीडियो के सरल संक्षिप्त नोट से परीक्षा में सही तरीके से उत्तर लिखना काफ़ी आसान है। एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए इस हिंदी वीडियो के बाद अंग्रेजी वीडियो भी जरूर देखें।